अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम लीगल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोज आप लोगों तक पर वक्त पहुँच सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन करना है लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसके पासिंग मार्क्स क्या हैं, स्टूडेंट्स के जिसके 49 मार्क्स आते हैं, 48 मार्क्स आते हैं, अब स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। अच्छा, उसके नीचे क्या होता है, रिजल्ट कार्ड के नीचे लिखा होता है वैलिड टिल, फॉर एग्जाम्पल आपका 27 अगस्त को टेस्ट हुआ है, 27 अगस्त को टेस्ट होने के बाद उसका रिजल्ट आ गया, तो जो भी वट सो एवर योर मार्क्स आर, अगर आपके 15 नंबर हैं, आपके 25 नंबर हैं या आपके 85 नंबर हैं, तो जो भी आपका रिजल्ट आता है उसके नीचे एक वर्ड लिखा होता है, एक लाइन लिखी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है वैलिड टिल 27 अगस्त 2025। अब स्टूडेंट कहते हैं मेरे 49 मार्क्स आए हैं, ये तो नीचे लिखी हुई है वैलिडिटी के 2025 तक इसकी वैलिडिटी है, तो अगर उसके ऊपर एक नंबर भी अगर आपका आएगा, आप स्कोर करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, एक नंबर चाहे आप स्कोर करें उसके ऊपर, वो एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वहां पर वो प्रिंट होकर ऑटोमेटिकली आता है। अब लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसके पासिंग मार्क्स 50 हैं। 50 अगर आपके 49 आते हैं, 48 आते हैं, एक स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम इसके लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, HEC का ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है कि जिसके थ्रू आप उसको अप्लाई कर सकें, और लॉ एडमिशन कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर उसका होता है, चाहे वो हैट के टेस्ट होते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, लॉ गैट होता है, उसके लिए आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और पासिंग मार्क्स उसके 50 हैं। अगर आपका लॉ एडमिशन टेस्ट 50 मार्क्स से कम है तो आपका फेल हो गया, आपको दोबारा उसकी प्रिपरेशन करनी है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस ही नहीं है, कोई ऐसे रिसोर्स के बारे में हमें बता दें जहां से हम लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकें, तो ये आपके सामने लैट टेस्ट की हमारी बेहतरीन किताब मौजूद है, एलिमेंट्स ऑफ लैट। इसके 4 एडिशन ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, अभी 5th एडिशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि हम ये किताब क्यों लें, बाकी किताबें जो है हम क्यों ना लें। तो एक तो ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर किताबें मौजूद हैं लैट टेस्ट के ऊपर, तो लैट टेस्ट वाहिद एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसका कोई सिलेबस भी नहीं है। ये किताब 3.5 साल इसके ऊपर मेहनत लगी है, 3.5 साल के बाद इसका 1st एडिशन लॉन्च हुआ है। अब 1st एडिशन से लेकर 5th एडिशन इसका आ गया। अब इन एडिशंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये जो पहला एडिशन आया था, ये 5th एडिशन आ रहा था, उसके अंदर डिफरेंस क्या है। हर लॉ एडमिशन टेस्ट के बाद एग्जामिनर न्यू टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि पहले वो आपसे उर्दू ग्रामर के हवाले से क्वेश्चंस नहीं पूछता था, अभी वो पूछने लग गया है। इस्लामियात के अंदर उसने न्यू टॉपिक्स डाल दिए हैं, पाकिस्तान स्टडीज के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर उसने न्यू टॉपिक्स जो भी डाल दिए हैं, वो हमारे जो न्यू एडिशंस आते हैं, न्यू एडिशंस के अंदर उनको कवर किया जाता है। साथ में जो आपके एसे और पर्सनल स्टेटमेंट्स आती हैं, अभी ये वाला जो एडिशन है वो 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, तो इसके अंदर पीछे 27 अगस्त तक जो भी एसे और पर्सनल स्टेटमेंट्स आई हैं वो 200 वर्ड लिमिट के अंदर जो है इसके अंदर कवर किया गया। साथ ही आपको जो है 5th एडिशन के अंदर ये नक्शा दिया जाता है, ये आपके साथ पाकिस्तान का भी मैप है, उसके साथ आपके साथ वर्ल्ड मैप भी आपके साथ शेयर किया जाता है। तो इसके अंदर जनरल नॉलेज का पोर्शन एक ऐसा होता है 20 नंबर का, जहाँ पर स्टूडेंट जो है मोस्टली अपने मार्क्स को लूज़ कर देते हैं, तो तकरीबन 10 नंबर का पोर्शन जो है वो इस नक्शे के अंदर जो है वो कवर कर दिया गया है। स्टूडेंट्स को ज्योग्राफिकली जो है वो समझाई गई हैं चीज़ें कि ये चीज़ें कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और ये क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो ये चेंजिंग थी लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से और लैट टेस्ट की किताब के अंदर। अगर आप अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन घर पर बैठ कर करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए बेहतरीन है। आप इसको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं या अपने करीबी बुक स्टोर के ऊपर जाकर जो है इसको डिमांड कर सकते हैं। वहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी बड़े स्टोर्स हैं, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, तमाम स्टोर्स के ऊपर ये किताब अवेलेबल है। आप अपने करीबी बुक स्टोर से ये किताब ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस हवाले से अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।